चलिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो जिला सबसे पहले बताते हैं कि हम लोग यानी प्रिज्म का जैसे कि कुछ क्लास ऑफलाइन में क्लास का यानी लेंस तक खत्म कर दिए थे, यानी प्रिज्म स्टार्ट करने वाला था तो लॉकडाउन लग गया था, इसीलिए आज हम प्रिज्म का टॉपिक आज शुरू करेंगे। और देखिए एक और ऑनलाइन क्लास चल रहा जिला इलेक्ट्रिक करंट का यानी विद्युत धारा का, वो 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो उधर भी अपना नया चैप्टर उधर भी अपना रेगुलर रखना। ये भी आपका जो लाइट चल रहा था मतलब ऑप्टिक्स जो चल रहा था लेंस तक खत्म हम कर दिए थे, तब प्रिज्म वाली बचा होता तो प्रिज्म मैंने देखे इन लाइट का भी इधर चैप्टर सिलेबस चलते रहेगा और उधर अपना इलेक्ट्रिक करंट का भी चल रहा है, दोनों चैप्टर चलेगा साथ साथ। लाइट का जो बचा हुआ है जो भी यानी इस यानी एक वीडियो में लाइट का टॉपिक चलेगा और एक में चलेगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो लाइट का हमें चला जो अगला हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करना था वो प्रिज्म था, ठीक है। जूम ऐप पर एक दिन प्रिज्म पढ़ाए थे लेकिन वहां पर क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। वहां पर मैंने वीडियो चला लाइव में फ्रेश नहीं दिखाई दिया था, गड़बड़ हो गया था टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, इसीलिए आज हम प्रिज्म शुरू करते हैं। अब लाइट का भी पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे ऑनलाइन इधर, यानी एक वीडियो में आपका लाइट का चलते रहेगा टॉपिक और एक में इलेक्ट्रिक करंट चलते रहेगा, ठीक है। दोनों को हम लोग साथ साथ ले चलेंगे। चलिए चला तो सबसे पहले प्रिज्म कहीं डालिए, मतलब प्रिज्म होता क्या, किसको प्रिज्म कहते हैं, शुरू से यानी प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो लिखिए साथ साथ लिखते चलेंगे चला। प्रिज्म यानी प्रिज्म क्या है, प्रिज्म से संबंधित पूरे टॉपिक चलेगा, प्रिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए प्रिज्म लिखिए सबसे पहले। देखो चला सबसे पहले हम जानेंगे प्रिज्म होता क्या, किसको हम प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म क्या होता है। बिल्कुल आप दसवां में प्रिज्म के बारे में हल्का फल्का पढ़े होंगे, इसलिए बेसिक क्लास है तो ही सब रिलेटेड रहेगा। चला देखिए सबसे पहले जो प्रिज्म, देखिए फिगर एक बनाएंगे, फिगर से ही प्रिज्म का लगभग बेसिक पॉइंट्स जो छोटा मोटा जो परिभाषा है वो क्लियर हो जाएगा, एक फिगर बना लेंगे सबसे पहले। तो चला प्रिज्म जो आपका होता है एक त्रिभुज जैसा रहता है, किसके रूप में रहेगा चला, त्रिभुज के रूप में रहता है और वो पारदर्शी माध्यम रहेगा, यानी कहने का मतलब शीशा का बना था। क्या बोले रे बाबू, प्रिज्म यानी इस तरह रहेंगे, सॉरी यानी चला फिगर बनाइए प्रिज्म के त्रिभुज के रूप में रहेगा। चलिए ये ही आपका प्रिज्म इस प्रकार रहता है, चला इसी को हम प्रिज्म कहते हैं। क्या बोलेंगे, अगर ऐसा है फिर बोले बढ़िया, कहीं मतलब चला इस प्रकार है, अगर ये शीशा का बना रहेगा तो इसी को हम प्रिज्म कहते हैं। क्या बोलेंगे रे चला, प्रिज्म हो गया, क्लियर है। प्रिज्म यानी त्रिभुज के रूप में रहता है चला। ये प्रिज्म होता क्या, किसको हम प्रिज्म कहते हैं, तो परिभाषा से पहले समझ लें। ये चला इसको हम अपवर्तक कोण कहते हैं। क्या बोले रे बाबू, अपवर्तक कोण इसको हम कहेंगे। ए से हमेशा अपवर्तक कोण को ए से सूचित करते हैं, याद रखिए, यानी इसको हम बोलेंगे अपवर्तक कोण। क्या बोलेंगे रे बाबू, अपवर्तक कोण। क्या नाम है, अगर बोलिए अपवर्तक कोण, फिगर में समझ लीजिए अपवर्तक कोण, या इसी को चला प्रिज्म कोण भी कहते हैं। क्या बोले हैं, अपवर्तन सॉरी अपवर्तक कोण बोलिए, या तो प्रिज्म कोण कहिए, दोनों एक ही बात है, प्रिज्म कोण, क्लियर है। यानी रिफ्रैक्टिंग एंगल के पढ़ में, रिफ्रैक्टिंग एंगल, क्लियर है, रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या बोलेंगे चला, आ तो बोलेंगे इसको एंगल ऑफ प्रिज्म, दोनों एक ही बात है, मतलब अपवर्तक कोण कहिए या तो प्रिज्म कोण कहते, दोनों कोई अंतर नहीं है। अदो चला ये आपका अपवर्तक सतह कहलाती है, दोनों सतह को हम अपवर्तक सतह कहते हैं। क्या इसको कहेंगे रे चला, अपवर्तक सतह, क्लियर। क्या इसको बोलेंगे, बोलो अपवर्तक सतह, ये दोनों सतह को हम अपवर्तक सतह कहते हैं, अपवर्तक सतह। की नाम है बोल चला, अपवर्तक सतह, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्या बोलेंगे बाबू, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्लियर, इसको हम अपवर्तक सतह कहते हैं, ये भी अपवर्तक सतह कहलाता है चला, यानी दो अपवर्तक सतह होते हैं, क्लियर, अपवर्तक सतह। क्या बोलेंगे भाई, अपवर्तक सतह है, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्लियर है। दो चला इसको जो प्रिज्म कोण के सामने वाला एक जो सतह बचेगा इसको हम प्रिज्म का आधार कहते हैं। क्या कहेंगे रे बाबू, प्रिज्म का आधार ही कहलाएगा, प्रिज्म का आधार, बेस ऑफ प्रिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, बेस ऑफ प्रिज्म। चलिए ये तो हम प्रिज्म के फिगर बनाए, क्या बना रहे बाबू, ऐसा रहेगा उसको हम प्रिज्म कहेंगे, मतलब त्रिभुज नियम देखने में कैसा रहेगा, बिल्कुल त्रिभुज जैसा रहेगा और शीशा का रहेगा चला, आप बिल्कुल लाइव में जाके देख सकते हैं, बिल्कुल शीशा का त्रिभुजाकार रहेगा, उसी को प्रिज्म कहते हैं। यानी अब हम बात करते हैं कि प्रिज्म होता क्या, किसको प्रिज्म कहते हैं, तो ध्यान दे चला, मोटा मोटे अगर हम बात करते हैं तो सीधे परिभाषा दिया गया चला,
कि दो समतल सतह, क्या बोले जिला, दो समतल सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे अगर किसी को ध्यान दे, दो एक, एक दो ही समतल सतह चला, ऐसी दोनों समतल सतह को किसी कोण पर अगर हम झुका के से रख देंगे चला, और जिस पर रख देंगे, ध्यान दीजिएगा, ये दो समतल सतह, इस दोनों समतल सतह को किसी कोण पर अगर हम झुका के रख दिए, अब किसी पर रख देंगे नहीं, तो जहाँ जिस पर रखेंगे चला, वही प्रिज्म का आपका आधार होता है। आई दोनों जो सतह होता है, इसी को हम अप्रत्यक्ष सतह कहते हैं चला। तब परिभाषा में बोला गया है कि हमारे पास क्या बोला है, दो समतल, अगर दो समतल सतह किसी कोण पर झुका के रख देंगे, तो जो जैसी दो समतल सतह किसी कोण पर झुका के रखेंगे चला, तो जब रखेंगे जिस सतह पर, ये बंद हो जाएगा त्रिभुज के रूप में कि नहीं, इसी पारदर्शी माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। क्लियर है? पारदर्शी माध्यम मतलब चला शीशा का, शीशे को आप इस प्रकार रख सकते हैं। हवा भी पारदर्शी माध्यम है, हवा को आप ऐसे नहीं रख सकते हैं, पानी को भी आप नहीं रख सकते हैं, मतलब चला शीशा ही, मतलब अगर कोई ठोस पदार्थ के रूप में पारदर्शी बोलते तो शीशा ही माना जाता है। कहने का मतलब बोल सकते हैं, अगर प्रिज्म होता क्या है, तो सीधे परिभाषा बोलना चला कि किसी कोण पर झुके, क्या बोले हैं, किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्लियर है? एकदम छोटा परिभाषा क्या बोलेंगे रे बाबू, किसी कोण पर झुके, देखिए किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम, मतलब चला जगह पर दोनों सतह को ऐसे रखेंगे, तो जगह पर रखने चला वो भी एक बंद हो जाए, बंद कर देगा कि नहीं, तो इसीलिए त्रिभुज के रूप में रहेगा चला। आपका यही दोनों शीशा का होना आवश्यक है, या आपका दोनों किसी पदार्थ का भी रह सकता है चला, मतलब कुछ भी रहेगा, परंतु चला आप त्रिभुज इस प्रकार ने, सॉरी मतलब प्रिज्म ऐसा रह चला कि आप इसको उलट कर कहीं पर भी रख दीजिएगा, तो दो सतह से अपवर्तन होता है, उस दोनों सतह को हम कहते हैं अपवर्तक सतह चला, और आपका जिस सतह पर दोनों अपवर्तक सतह रखा होता है उसको हम प्रिज्म का आधार कहते हैं। क्लियर है चला? तो हम परिभाषा क्या बोलेंगे, बोलिए, परिभाषा नीचे लिखते हैं चला, मतलब हम बोल सकते हैं कि किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों, चलिए चला परिभाषा लिखेंगे, जगह ही है रे, क्या परिभाषा लिखे चला, किसी कोण पर झुके, चलिए लिखते हैं चला, छोटा परिभाषा दे दीजिए, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों, क्या बोले चला, दो समतल सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम, क्लियर है, घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्लियर? एक लाइन की परिभाषा चला, प्रिज्म कहते हैं। देख लिए, पढ़ लिया आराम से, बोला गया है कि किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, मतलब कह सकते हैं चला इंग्लिश में, दो समतल सतहों ने चला, यानी बोला गया चला किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम, घिरे पारदर्शी माध्यम को, यानी चला हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं चला, द ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्या बोलेंगे रे बाबू, द ट्रांसपेरेंट मीडियम मीडियम बाउंडेड बाई टू प्लेन सरफेसेस। क्लियर है? क्या चला, दो समतल सतहों ने, टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर। क्लियर? एट ए सुटेबल एंगल, क्या चला, एट ए सुटेबल, इतना तो दिखाई देगा ना, एट ए सुटेबल एंगल इज कॉल्ड प्रिज्म, क्या बोलेंगे इसको चला, इज कॉल्ड प्रिज्म। क्लियर? चलिए, ये आपका हो गया परिभाषा चला, ध्यान दीजिएगा, द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू प्लेन सर्फेसिस इनक्लाइंड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे पर चला, कोण पर झुका रहे, एट ए सुटेबल एंगल, मतलब कोई निश्चित कोण पर चला, इज कॉल्ड प्रिज्म, उसी को हम प्रिज्म कहते हैं। क्लियर? देख चला, आराम से फिगर बनाइएगा, परिभाषा लिख लिया साथ में, फिगर है चला, अब इसके बाद हम करते चला कुछ एक हमारी स्क्रीनशॉट मार रहा है, मारो चला, इसके बाद है चला कि हम अपवर्तक सत्ता किसको कहते हैं, इस हमें डिफाइन करना है चला। फिगर आप लोग का बन गया है, अब इसमें परिभाषा छोटा छोटा लिखेंगे साथ साथ। देखो जी, आप सबसे पहले हम बात करते हैं चला, अपवर्तक सतह होता है क्या, क्या हम बात करेंगे, अपवर्तक सतह, हेडिंग दीजिए अगला चला, फिगर के नीचे आओ,
अपवर्तक सतह, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्या पढ़ेंगे बाबू? रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्लियर? अपवर्तक सतह देखो चला, अगर इस प्रकार प्रिज्म यहाँ पर अगर रखा ले चला, तो हम प्रकाश ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश इधर से पड़ेगा तो पहले हवा से प्रकाश क्या जाएगा, इस सतह पर जाएगा, मतलब यहाँ हवा से शीशम जाएगा, इस सतह से फिर इस सतह पर आएगा, आने चला यही दोनों प्रिज्म के जो ये दोनों सतह चला, यही इसी दोनों सतह से प्रकाश का अपवर्तन होगा, इसलिए इन सतहों को ही हम लोग अपवर्तक सतह कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं चला कि प्रिज्म के जिन सतहों से, क्या बोलेंगे, प्रिज्म के जिन सतहों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हीं सतहों को हम अपवर्तक सतह कहते हैं। याद रखिएगा किसी भी प्रिज्म में दो अपवर्तक सतह होते हैं, क्लियर? फिगर में तो बताया गया है, ई भी एक अपवर्तक सतह है, ई भी एक अपवर्तक सतह है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रिज्म में दो अपवर्तक सतह होते हैं, क्लियर? तो क्या परिभाषा बोलेंगे, लिखिए, प्रिज्म के जिन सतहों से, क्या बोलेंगे रे बाबू, प्रिज्म के, छोटा मोटा परिभाषा चला, प्रिज्म के जिन सतहों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक सतह कहते हैं, क्या बोलेंगे रे बाबू, उसे अपवर्तक सतह कहते हैं, उसे अपवर्तक सतह कहते हैं, क्लियर है? हम बोल सकते हैं चला कि किसी भी प्रिज्म में दो अपवर्तक सतह होते हैं, क्या हम पैराग्राफ चेंज कर लिखें चला, किसी भी प्रिज्म में दो अपवर्तक सतह होते हैं, दो अपवर्तक सतह होते हैं, क्लियर है? चलिए अपवर्तक सतह के बारे में हो गया चला, अब हम बात करते चला, अब सीधे हम बात करें प्रिज्म कोण, तेजी से थोड़ा परिभाषा लिखते चल, प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या पढ़ेंगे, बोल जल्दी फटाफट, एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या बोलेंगे रे बाबू, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म कोण, देखिए फिगर में आइए, देखिए चला दोनों ये दोनों प्रिज्म के दोनों अपवर्तक सतह है चला, मतलब दो अपवर्तक सतह है, तो याद रखेंगे कि दोनों अपवर्तक सतहों के बीच में जो कोण बन रहा है, क्या बोले, जो दो अपवर्तक हम चला दोनों सतह को किसी कोण पर झुकाएंगे तो दोनों अपवर्तक सतह के बीच में कोण बन रहा है कि नहीं, तो उसी कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं, क्या बोलेंगे, प्रिज्म के अपवर्तक सतहों के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को हम प्रिज्म कोण या इसी को अपवर्तक कोण भी कहते हैं, याद रखेंगे इसे हमेशा कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, क्लियर है? लिखिए प्रिज्म के अपवर्तक सतहों के बीच, क्या बोलेंगे रे बाबू, प्रिज्म के अपवर्तक सतहों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, इसे कैपिटल ए द्वारा सूचित किया जाता है, क्या याद रखना चला, सूचित किया जाता है, क्लियर इतना दूर, इसे कैपिटल ए द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक चला। चलिए छोटा परिभाषा तीसरा चला, प्रिज्म का आधार होता क्या है, देखिए प्रिज्म का आधार बेस ऑफ प्रिज्म, क्या बोलेंगे, बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का आधार क्या होता है, देखो चला फिगर में, देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण, ये जो प्रिज्म कोण है तो प्रिज्म कोण के सामने वाला जो एक सतह बचा चला, त्रिभुज में तीन सतह होते हैं, दोनों सतह को हम अपवर्तक सतह कहते हैं, जो एक सतह बच जाएगा इसी सतह पर दोनों सतह रखा लो रहते हैं ना, आधार कहलाएगा, बेस कहलाएगा कि नहीं, इसीलिए हम बोल सकते हैं चला कि प्रिज्म कोण के सामने वाला सतह को हम क्या बोल सकते हैं, प्रिज्म का आधार कह सकते हैं, नहीं बोलिए फटाफट, लिखिए प्रिज्म कोण के सामने वाले सतह को प्रिज्म कोण कहते हैं, इसे
प्रिज्म कोण के सामने वाले सतह को प्रिज्म का आधार कहते हैं चेला, प्रिज्म का आधार कहते हैं। चलिए सब परिभाषा लिखा दो, ठीक। एक बार मान लिया स्क्रीन शॉट चला, उसके बाद हम लोग नया प्रिज्म से रिलेटेड हो गए, ठीक है। बेसिक पॉइंट्स आद्र क्या प्रिज्म के बारे में चला। अब हम बात करते हैं प्रिज्म से अपवर्तन, क्या पढ़ेंगे अगला टॉपिक रे चला, कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होगा। चलिए आने हुआ बल्ला अगला है जो टॉपिक रहेगा चला, प्रिज्म से हम अपवर्तन बात करें, क्या बात करेंगे रे चला, प्रिज्म से अपवर्तन। लिखिए अगला है प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, क्या बोलेंगे बाबू, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, क्लियर। बोलो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा। देखिए चला सबसे पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा चला, फिगर में आप फ्रेश हो जाएंगे अपवर्तन किस प्रकार होंगे। देखो हम इधर साइड में फिगर बनाते हैं, इसी से हम अपवर्तन निकालने चला। अरे जब फिगर में बनो बढ़ने चला, चलिए प्रिज्म से अपवर्तन अगर हमें दर्शाना है चला, देख प्रिज्म लेते हैं सबसे पहले। चलो मान लो प्रिज्म है ठीक ठाक लगो देखे में, अब ये चला इसलिए हमें अपवर्तन बताना, क्या बताना चला कि अपवर्तन कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए चला, एक प्रिज्म लिया अपवर्तन के, मतलब जब इसको हम प्रकाश आपतित कराएंगे तो ध्यान दीजिए चला कि हम एक प्रकाश आपतित कराए हैं, एक प्रकाश हम यहाँ पर इंसिडेंट करवाए चला। चलिए चला ये फिगर आपका बना हुआ डायरेक्ट मिलेगा दम फौजी हम चला फास्टिंग काम हो लो आने कहने मतलब चला। देखिए हम बात करते हैं प्रिज्म से अपवर्तन के बारे में, मतलब प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। इसलिए चला प्रिज्म से अपवर्तन का फिगर बना हुआ है। देखिए सबसे पहले चला हम ए बी सी, ध्यान दीजिए ए बी सी क्या बोले रे बाबू, ए बी सी हम एक प्रिज्म लिए हैं। सबसे पहले क्या ले बोले, ए बी सी एक प्रिज्म लिए हैं, फिगर समझ लीजिए फिर बाद में फॉर्मूला आ जाएगा चला। देखिए चला यहाँ पर बराबर यहाँ पर अपवर्तन बताना है, क्या समझाना है प्रिज्म से अपवर्तन में बताना है कि किस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म के द्वारा होगा। तो सबसे पहले चला इस पर तो हम प्रकाश किरण एक आपतित करवा, ध्यान इसे जब प्रकाश किरण जाएगा तो चला प्रिज्म के बाहर जिन्हें हवा मान लो है, तो हवा से प्रकाश कहाँ जाएगा, प्रिज्म के पहला अपवर्तक सतह पर जाएंगे। तो चला प्रकाश हवा से एक तरह से शीशम जा रहा है, प्रिज्म शीशा का बना रहेगा चला, तो एक तरह चला प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएंगे। जैसे माध्यम बन रहा है चला तो मतलब अपवर्तन होगा, हवा से शीशा में जा रहा है प्रकाश, मतलब हवा से चल के शीशा पर आपतित हो रहा है चला, कहीं मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, दोनों पारदर्शी शीशा भी पारदर्शी माध्यम है, मतलब अपवर्तन उसमें होगा चला। आने कहने मतलब चला कि आपका जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, लेकिन मतलब चला सबसे पहले तो यहाँ पर हम अभिलंब खींचे, क्या खींचे बोलिए, सतह पर लंब खींचे हैं एन वन जो नाम दिए। तो चला देखिए प्रकाश हवा से शीशा में जा रहा था तो अभिलंब की ओर, तो अभिलंब है कि नहीं, तो दो सीधे ना जाकर डायरेक्शन आपतित किरण की दिशा दर्शा चला, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, किधर मुड़ा बोलिए अभिलंब की ओर मुड़ा है। अब फिर इस शीशा में जाएगा सीधे चला, फिर शीशा से कहा हवा में निकलेगा, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, मतलब अपवर्तन यहाँ पर होगा, तो यहाँ अभिलंब से दूर भागेंगे, शीशा से जब हवा में प्रकाश जाएंगे तो अभिलंब से कहाँ जाएंगे, दूर भागेंगे। चला भी एक अभिलंब खींचे इन टू, तो दो चला ये अभिलंब प्रकाश को इधर जाना था तो अभिलंब से दूर मुड़ा, किधर मुड़ा, दूर मुड़ा, क्लियर है। अब बात करते हैं चला ये आपतित किरण को आगे बढ़ाए हैं और ये निर्गत किरण को आगे पीछे बढ़ाए चला, तो दोनों के बीच जो कोण बना है उसको हम डेला, देखिए इसको हम पीछे बढ़ाए हैं इसको आगे बढ़ाए, तो दोनों यहाँ पर मिला है कि नहीं, तो इनके बीच जो कोण बनता है उसको हम डेल्टा नाम दिए, जो कि आपका उसका कुल विचलन कोण है। क्या मिला है, आपतित किरण और निर्गत किरण जहां पर दोनों मिलेंगे वहां पर जो कोण दोनों के बीच बनेगा चला, उस कोण को हम कुल विचलन कोण कहते हैं, जो कि हम डेल्टा नाम है, क्लियर। अब यहां पर ध्यान दो चला कि यहां पर जो आपका एन वन और ईपी आपका ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, आपतन कोण आई वन माने हैं, यहाँ पर आर वन अपवर्तन कोण माने, यहाँ पर आपतन कोण के रूप में आर टू माने हैं, यहाँ पर निर्गत कोण के रूप में आई टू माने, क्लियर है। अब बात करते हैं चला देखिए नाम याद रखिए पी क्यू आर एस नाम दिए ए बी सी डी ई, क्लियर है। अब हम बात यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ फिगर में कि आपतन कोण आई वन है आर वन है, तो यहाँ पर तो चला प्रकाश किरण को इधर जाना था, इधर मुड़ा है मतलब अपवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर मुड़ा है तो जो कोण से मुड़ा उस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं, तो पहला जो विचलन कोण होगा चला
आई वन माइनस आर वन, यहाँ पर जगह नहीं रहेगा यहाँ पर लिखे, क्लियर। तो ये पूरा कोण आई वन है, इधर समूह कोण भी आई वन के बराबर होना चाहिए, जितना दूर आर वन है तो कितना कोण मुड़ा, तो आई वन माइनस आर वन होगा। उसी प्रकार इधर आई टू है तो इधर भी समूह कोण आई टू बराबर होगा, उनमें से इतना कोण आर टू है, मतलब इतना कोण जो चला वो आई टू माइनस आर टू होगा। ध्यान, इस कोण का नाम यहाँ पर वैल्यू दिए है I2 माइनस आर टू, इसका वैल्यू यहाँ पर I1 माइनस आर वन दिया चला। अब हमें निकालना है टोटल विचलन, क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है, क्या निकालना पड़ेगा बोलिए जल्दी, डेल्टा क्या निकालना है तुतुर लोग, डेल्टा की बात करें, डेल्टा निकालना है तो फ्रॉम फिगर से, कहाँ से, अगर हम बात करें चला एक दो ने नीचे लिखा है, नीचे लिख के चलते हैं, फ्रॉम फिगर मतलब हुआ चित्र से, क्या रे बाबू, कुल विचलन, क्या लिखेंगे, अनुकूल विचलन, कुल विचलन अगर प्रिम से हम बात करते हैं चला, डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे दे चला, डेल्टा हम लोग लेते हैं, क्या लेंगे, डेल्टा बराबर, देखिए यहाँ पर अगर आप कुल विचलन, तो ये पहला विचलन है, दूसरा विचलन है कि नहीं चला, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये कुल विचलन निकल जाएगा। आप ऐसे भी आप कर सकते हैं, एक त्रिभुज के रूप में लीजिए क्यू आर डी में, तो बहिष्कोण है दोनों अंतः कोणों का जोगफल के बराबर बहिष्कोण होता है कि नहीं, तो कहीं से कीजिए बात बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एक कोण आई वन माइनस आर वन, कितना आई वन माइनस आर वन प्लस दूसरा कितना बोलो आई टू माइनस आर टू, क्या रे बाबू, आई टू माइनस आर टू, क्या बोलेंगे, आई टू माइनस आर टू, क्लियर। अब डेल्टा बराबर बाबू हम लोग बात करेंगे तो आई वन प्लस आई टू एक साथ लिख देंगे, आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन माइनस आर टू हम कर सकते हैं, नहीं बोलो फटाक सना, डेल्टा बराबर आई वन प्लस आई टू माइनस कॉमन ले सकते हैं दोनों में, आर वन प्लस क्या हो जाए माइनस प्लस नहीं, तो चला इसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने, क्लियर रहना दो, देखिए माइनस कॉमन आ चला तो प्लस नहीं बीच में आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा निकलेगा, क्लियर रहना सब, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी तक तत्काल में, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं चला, देखिए हम एक त्रिभुज ले रहे हैं बाबू, देखिए त्रिभुज पर ध्यान दिए, त्रिभुज क्यू ई आर, कौन देखिए, त्रिभुज क्यू ई आर में, किस में रे बाबू, त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज में चला तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, कोई भी त्रिभुज रहे चला, तो अगर क्यू ई आर में इस त्रिभुज की अगर बात करते चला, तो एक कोण आर वन है, दूसरा आर टू है, एक कोण बीच में बन रहा है नहीं चला, तो तीनों कोणों का योगफल हम 180 लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए, तो क्या हो जाएगा, आर वन पहला, आर टू, और ये क्या चला, देखिए कोण ई पर यहाँ वैल्यू नहीं दे, इसको हम कोण के रूप में लिख सकते हैं, कोण का कोण क्या लिखे बोलो, क्यू आर को बीच में रखेंगे चला, क्यू आर बराबर कितना 180 डिग्री, इसको हम इक्वेशन टू मान लें, क्या मान लिया, बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं चला, इसी प्रकार हम एक चतुर्भुज लेते हैं, ध्यान दीजिए चतुर्भुज ए क्यू ई आर, चतुर्भुज बना है देखिए ध्यान से, ए क्यू ई आर, चतुर्भुज ने ए क्यू ई आर एक चतुर्भुज बन रहा है चला, तो कोई भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल कितना होता है बोलिए, 360, कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है चला, ध्यान दिया, तो हम कौन कौन, एक कोण ई है, एक कोण ई बन लो चला, एक कोण यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर, चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री, ध्यान दीजिए चला, जो यहाँ पर जो कोण अभिलंब न खींचे है रे, तो पूरा कोण कितना 90 डिग्री बनेगा भाई, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो अभिलंब डाला गया है, तो यहाँ पर एक कोण कितना 90, चतुर्भुज का एक कोण यहाँ पर 90, उसी प्रकार इस सतह पर भी यहाँ लंब खिंचा दी भी एक कोण 90 होगा, तो ये दोनों 90 180 डिग्री हो गया है, चतुर्भुज के चार कोण में से दो कोण 90 डिग्री है, एक मतलब दो कोण का योगफल कितना 180 डिग्री, एक मतलब बाकी बचा है दो कोण, ध्यान दिया चारों कोणों का योगफल 360, उनमें से दो कोण 90, एक मतलब दो कोण 90 मतलब दो कोण मिलाकर 180 डिग्री, एक मतलब चला बाकी जो दो कोण बचा हुआ है उसका भी योगफल कितना होना चाहिए 180, कारण की चारों कोणों का योगफल 360, उनमें से दो कोण का मान है 180 90, एक बाकी भी दो कोण जो बचा हुआ चला, ये दोनों कोण जो बचा हुआ है इसका मतलब ये दोनों कोणों का भी योगफल कितना होगा 180 डिग्री लिख सकते हैं, यानी हम लिखेंगे चला चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, किस में रे बाबू, ध्यान दिया ए क्यू ई आर में कोण ए प्लस डायरेक्ट लिख रहे हैं, इस कोण का मान क्यू आर दे सकते हैं कि नहीं, ये वाला कोण है नहीं यार, क्यू आर बराबर 180 डिग्री, क्लियर है यहाँ से समीकरण थर्ड हुआ, क्लियर। अब चला दे ये भी देखिए इसका वैल्यू भी 180 डिग्री, इसका भी 180 दोनों बराबर है चला, तो समीकरण दो और तीन से दोनों भी आपस में नहीं बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, कहाँ से चला सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर कर सकते हैं कि नहीं बोलो रे बाबू, आर वन प्लस आर टू प्लस कोण क्यू ई आर बराबर, ये दोनों भी आपस में बराबर कीजिए, ए प्लस कोण क्यू ई आर
यहाँ तक कोई समस्या? देख चला दोनों बराबर के, दोनों बराबर को ना इधर उधर लेफ्ट राइट कर जाएगा, प्लस माइनस करके काट सकते हैं कि नहीं? अब दो हो जाएगा, चला आर वन प्लस आर टू बराबर क्या बच जाएगा ए। ये हमारा एक तरह से फार्मूला भी आया चला, इसको हम समीकरण भी मान रहे हैं, ठीक है। ये एक जनरल फार्मूला प्रिज्म के लिए, इसको कहते हैं चला आर वन प्लस आर टू बराबर ए, एक फार्मूला है घेर दिए, मतलब भी आप कहीं प्रयोग कर सकते हैं चला, इसको हम समीकरण भी आगे यूज करेंगे, चौथा समीकरण मान लें, क्लियर। आप देख चला यहाँ पर डेल्टा निकालना था, कुल विचलन ना रे, तो समीकरण चार का जो वैल्यू है समीकरण फोर का मान, समीकरण फर्स्ट में नहीं रख सकते, यहाँ पर आर वन प्लस आर टू बराबर ए रख सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं समीकरण एक में, यानी हम कह सकते चला समीकरण फोर का मान क्या लिखेंगे, समीकरण चार का मान समीकरण एक में रखने पर, कहां पर चला एक में रखने पर, क्लियर है, रख दीजिए चला, क्या हो जाएगा डेल्टा बराबर आई वन प्लस आई टू माइनस, ध्यान दीजिए माइनस के आर वन प्लस आर टू, तो आर वन प्लस आर टू के जगह पर हम ए रख सकते हैं, ए रख दिए, क्लियर चला। ये आ गया आपके पास एक नंबर फार्मूला, इसको हम प्रिज्म का जनरल फार्मूला कहते हैं चला, ये हमको प्रूव करना, ध्यान दीजिए डेल्टा बराबर, डेल्टा क्या है याद रखिए, विचलन कौन है, जहां डेल्टा क्या चला, जहां डेल्टा बढ़िया पढ़ो तो, जहां डेल्टा प्रिज्म का विचलन कौन है, क्या चला लिख दे डायरेक्ट विचलन, चलिए कोई समस्या चला, ध्यान दे कोई दिक्कत ना, याद रखिएगा एक जनरल फार्मूला आर वन प्लस आर टू बराबर ए और डेल्टा बराबर आई वन प्लस आई टू माइनस ए, क्लियर है। यही तक चला, ये प्रिज्म से अपवर्तन हुआ है, इतना आप याद रखेंगे, कल इसके आगे हम लोग अगला टॉपिक ले चलेंगे चला। ये लाइट का आपका चल रहा है, लाइट हम लोग लेंस तक पढ़ चुके हैं, बार बार बोले हैं प्रिज्म आपका नया चैप्टर एक तरफ पढ़े, जहां तक हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ कर छोड़े थे, उसके अगला हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए लाइट में, इधर लाइट अपना चलते रहेगा चला, साथ साथ अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट भी चल रहा है, दोनों आपका चैप्टर चलेगा, लाइट खत्म के बाद आपका करंट चलेगा, उसके बाद मैग्नेटिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लॉकडाउन देखिए टूटेगा, फिर अपना ऑफलाइन क्लास चलेगा, ठीक चला। और ठीक है भाई, यहीं पर चला।